ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 54। सो इट सेज अ पार्टिकल एक्सिक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। द मीन पोजिशन ऑफ द ऑसिलेशन इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इमेज ऑफ द पार्टिकल। ओके सो वट इज गिवन, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस है एंड ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, समथिंग लाइक दिस। एंड इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। एंड एक पार्टिकल इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग SHM परफॉर्म करता है, जो मीन पोजीशन है, दिस इज योर मीन पोजीशन ऑफ द SHM। जो मीन पोजीशन है SHM का वो कितने डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, राइट। और जो ऑसिलेशन है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 सेंटीमीटर है। सो मीन पोजीशन से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एंड मीन पोजीशन से दूसरे तरफ 1 सेंटीमीटर, ये आपको क्या मिलेगी, एक्सट्रीम पोजीशन। लेट्स से ये एक्सट्रीम पोजीशन ए है और ये एक्सट्रीम पोजीशन बी। सो हमें बताना है कि जो इमेज बनेगी, अब देखो लेंस फार्मूला का यूज करके हम इमेज का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो वी होगा दैट विल बी सिंपली यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। नाउ एफ की वैल्यू तो 12 है। अगर हम मीन पोजीशन की बात करें, मीन पोजीशन पे यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। सो यू की वैल्यू, देखो मीन पोजीशन के लिए, मीन पोजीशन की अगर हम बात करें सो आपका जो यू होगा वो हो जाएगा -20 और एफ की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है, दैट इज 12। सो यू कैन सी जो वी का वैल्यू आएगा दैट विल बी -20 इंटू 12 डिवाइडेड बाय -20 प्लस 12। सो यू कैन इजिली सॉल्व इट, देखो कितना आता है, ये कितना हो जाएगा -20 इंटू 12 डिवाइडेड बाय -8। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से डिवाइड करो 2, 5, ये हो गया 6, सो दैट इज बेसिकली 30। सो 30 पे मीन पोजिशन है। सो यहाँ पे आप देखो, अगर हम जाते हैं कितने डिस्टेंस पे, 30 पे, यहाँ से 30 पे जो इमेज बनेगी है ना, इमेज का मीन पोजिशन लेट से एम डैश, जो आपकी इमेज है उसका जो ऑसिलेशन होगा उसका जो मीन पोजीशन है वो तो एम डैश है ना, एम का जो इमेज बनेगा वो एम डैश। अब ए का इमेज बनाते हैं। सो ए के लिए देखो 20 ये एम मीन पोजीशन और 1 सेंटीमीटर हम कम करेंगे, सो बेसिकली ए का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 19 सेंटीमीटर, राइट। सो ए के लिए फॉर पॉइंट ए, ए के लिए जो यू होगा दैट विल बी -19। एफ का वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है 12, सो जो v आएगा दैट इज सिंपली यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। सो वैल्यूज डालो, -19 इंटू 12 डिवाइडेड बाई -19 प्लस 12, सो दैट इज बेसिकली -19 इंटू 12 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया माइनस का 7। सो माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, ये इसे थोड़ा सा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, है ना, टाइम बचाने के लिए। कितना था, 19 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7, 32.57। ओके सो ये कितना आ रहा है, 32.57, राइट। सो जो आपका ए आएगा वो कितने डिस्टेंस पे आएगा, 32.57 के डिस्टेंस पे, ये इस तरह से ये आपका आ गया कितना, ए डैश, ए का इमेज, राइट। सो एम डैश से ए डैश का जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली 2.57। नाउ बी की बात करते हैं, जो बी के लिए यू होगा बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द लेंस वो कितना होगा, 20 और ये प्लस 1, सो दैट इज बेसिकली 21 हो जाएगा ना। बी के लिए अगर हम बात करें फॉर पॉइंट बी, जो यू होगा दैट विल बी माइनस का 21, एफ का वैल्यू तो सेम रहेगा 12, सो जो वी आएगा दैट इज बेसिकली यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। वैल्यूज पुट करो, -21 इंटू 12 डिवाइडेड बाय -21 प्लस 12, सो कितना आएगा, -21 इंटू 12 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया -9, सो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करो 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, फिर 3 से ये 4 टाइम्स हो जाएगा, सो दैट इज बेसिकली 28, राइट। सो जो बी की इमेज बनेगी वो बनेगी 28 पे। सो यहाँ से हम जाएंगे कितना, 28 पे यहाँ पे, और हमें क्या मिलेगा, बी डैश। सो आप देखो जो बी डैश और एम के बीच डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये 28 है और ये 30 है, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2।
सो अगर हम कहते हैं कि जो इमेज है उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, सो आप देखो जो एक्सट्रीम पोजीशंस है ना उनके बीच में जो डिस्टेंस है, ए डैश और बी डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 + 2.57, दैट इज बेसिकली 4.57। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होता है वही एम्पलीट्यूड होता है। सो इस डिस्टेंस का हाफ कर दो, सो आंसर होगा 4.57 डिवाइडेड बाय 2, 2.28 समथिंग आएगा ना, सो 2.28 सेंटीमीटर, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इमेज, राइट। क्या ये एसएचएम है, क्या इमेज एसएचएम परफॉर्म कर रही है, नहीं, बिकॉज जो मीन पोजीशन है ना वो सेंटर पे नहीं है, एक तरफ का जो एम्पलीट्यूड है वो 2 है और एक तरफ का 2.57 है, बट एनीवे आप इसका मीन लेके बता सकते हो, राइट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।